हेलो गाइस, तो हमारा जो आज का सफ़र है वो यहाँ से है बराती हो एक फॉल है। एक्चुअली बताते हैं बहुत सुंदर फॉल है। वैसे मैं गया नहीं हूँ अभी तक उस फॉल में, पर मैंने अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ देखी थी फेसबुक में। तो जैसे कि मेरा मोटो ही है कि मैं आपको उन जगहों को एक्सप्लोर करूँ उत्तराखंड की, जो उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं या जाते नहीं हैं। और तो बराती हो भी एक ऐसी ही फॉल है जो देखना बहुत सुंदर है। तो अभी हम बराती रॉक की तरफ चल रहे हैं। तो टाइम अपडेट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। तो टाइम अपडेट है 11:45 हो रहे हैं अभी। तो वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बराती रॉक जो फॉल है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को वहाँ जाके। और जो आज हमारी सवारी है वो है TVS की एंटॉर्क। एंटॉर्क की राइड ले रहे हैं और ये मेरे पास 4-5 महीनों से है गाड़ी एंटॉर्क। और गाड़ी के बारे में बताऊं तो पिकअप इसका बहुत ज़बरदस्त है। एंटॉर्क का पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे टायर्स, काफ़ी मोटे होते हैं और स्कूटियों के हिसाब से। मतलब इसको राइड करते हुए मुझे लगता नहीं कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मुझे लगता है मैं एक 125cc की बाइक चला रहा हूँ। ऑफ रोड थोड़ी सी डिस्टर्ब करते हैं, सेफिंग है, और बट ऑन रोड यानी हाईवे पे तो इसकी कोई टक्कर ही नहीं है। मतलब अभी तक किसी स्कूटी से बहुत सुपर गाड़ी है, 125cc के अंदर तो बेस्ट बाइक है। मैं कैमरे की सेकिंग की तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कैमरे में काफ़ी सेकिंग हो रही है। एक्चुअली फिर मैंने अभी तक एक्शन कैमरा ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि अभी यूट्यूब में नया हूँ, अगर मेरा चैनल चलता है और आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो मैं लूँगा एक्शन कैमरा। बट अभी तो मैं अपने सिंपल मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। MI A1 मेरे पास सेट है, इससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोग हल्द्वानी सिटी से बराती रॉक फॉल के लिए आएंगे तो आपको बैठा रहिए कम से कम 30-31 किलोमीटर हल्द्वानी से। हल्द्वानी से रामनगर वाले रूट पे ये पड़ता है बराती रॉक फॉल। तो दोस्तों अभी एक गलती हो गई और हम लोग ज़्यादा ही आगे चले गए। मतलब हमें जाना था चूना खान और हम चूना खान से आगे धमोला निकल गए थे, क्योंकि बराती रॉक जो झरना है वो पड़ता है चूना खान में। तो अभी हम वापस लौट रहे हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर हमें बैक जाना पड़ेगा वापस। तो पहुँचने वाले हैं 1 किलोमीटर का ही आगे निकले थे हम लोग चूना खान से। तो दोस्तों यहाँ से हम लेंगे राइट और ये चूना खान का फॉल जो है ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा चूना खान, बस इस बोर्ड की तरफ घूम जाना है। इको टूरिज्म है, यहाँ लिखा है बराती रॉक झरना और इसमें प्रवेश का समय भी लिखा था। एक्चुअली हम देख नहीं पाए प्रवेश का समय क्या है, मतलब एंट्री टाइम क्या है। तो अभी चलते देखते हैं, एंट्री तो होगी वैसे अभी। ये है ऑफ रोड, अब शुरू होगा यहाँ से ऑफ रोड। लोग जाते हुए दिख रहे हैं हमें उस साइड। और यहाँ जंगल में थोड़े काफ़ी कच्चा रास्ता, थोड़ा नहीं, जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा काफ़ी कच्ची रोड है। अगर आप 2-व्हीलर से आते हैं तो 2-व्हीलर को तेज़ चलाने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप फिसल सकते हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा जंगल था बीच में और हमें सोच रहा था कि शायद लास्ट तक जंगल होगा, लेकिन नहीं, जंगल के बाद ये यहाँ पे लोगों के मकान हैं और फिर जंगल शुरू हो चुका है यहाँ पे से। थोड़ा ऑफ रोड होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाइक 2-व्हीलर चलाने में, पर उम्मीद करता हूँ वहाँ जाके व्यू काफ़ी अच्छा मिले काश हमें। और हमारे आगे भी कुछ लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है इनको पता है कहाँ है बराती रॉक झरना, इनके पीछे रहते हैं हम लोग भी। कुछ कारें भी थी यहाँ पे अभी, पर वो पीछे रुक गई या बराती रॉक झरने पे ले आई हैं ऐसा पता नहीं चल रहा मुझे। फिलहाल अगर ये लोग बराती रॉक ही जा रहे हो, हम इनके पीछे निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोर्ड साइन बोर्ड नहीं लगा है यहाँ पे कुछ
कि झरना किधर के है, तो अच्छा रहेगा कि आप पूछ के आए इस जगह। यहाँ से रास्ता थोड़ी सी ऊंचाई है, तो स्कूटी अगर आप लाएं या बाइक लाएं तो कोशिश करेगी सिंगल चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाता है, कच्चा रास्ता है। अब इतने अच्छे व्यू के लिए तो हम ये रास्ता चढ़ ही सकते हैं। तो फिलहाल हम चढ़ रहे हैं और पहुँचने वाले हैं। आप चाहें तो स्कूटी या बाइक नीचे ही खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ऊपर है नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने यहीं पर ही खड़ी करी है। स्कूटी बाइक देख रहे होंगे आप लोग, तो लोग आए हैं यहाँ पे काफ़ी रातों रात झड़ने के लिए, और यंगस्टर्स ही ज़्यादा हैं यहाँ पे, और हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे। और रास्ता ख़तरनाक है दोस्तों, पर एडवेंचरस। पर यहाँ पे आके जो ये पानी की कलकल की आवाज़ आती है, ये बहुत प्यारी लग रही है। तो मुझे लग रहा है अब तो मुझे उम्मीद सी हो गई है कि आगे का व्यू सच में बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ, पानी की आवाज़ बहुत प्यारी है यहाँ पे, और एडवेंचर भी काफ़ी अच्छा है, और लोकेशन और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। मुझे कुछ लोग वहाँ नहाते हुए दिख रहे हैं, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन केवल लग रहा था दूर होगा, पर ये है नहीं, बस रास्ता थोड़ा ख़राब है। पर ये ख़राब रास्ता भी यहाँ की लोकेशन और नेचर के आगे कुछ नहीं लगता। तो अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है और ट्रैकिंग पसंद है, तो ये झरना बिल्कुल आप ही के लिए बनना है, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैकिंग हो जाती है यहाँ पे। और टाइम अपडेट मैं दे दूँ आपको, तो अभी हो गया 12:20, और अब हम झरने के काफ़ी नज़दीक हैं, और झरना मुझे दिख चुका है, सामने ही है झरना। अब देखते हैं कैसा व्यू है, तो अब दिखाते हैं हम आपको जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी वो फॉल। ये रहा बराती रॉ झरना। हाँ हाँ, मज़ा ही आ गया, क्या सुंदरता है, क्या नेचर है, और सच में बहुत प्यारी जगह। अब देखिए आप लोग, तो ट्रैकिंग के बाद जब इतना अच्छी जगह मिले, आपको व्यू मिले, तो आप सारी थकान सारी मुसीबतें भूल ही जाएंगे। तो काफ़ी यंगस्टर्स आए हैं यहाँ पे नहाने के लिए, एक्चुअली हैवी यंगस्टर लाइक ही जगह ये। मुझे यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं मेरे, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ये पहला अनऑफिशियल मीटअप था, तो मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिले हैं यहाँ पे, और काफ़ी खुश हैं यहाँ आके। देखते हैं हमें रोहित के ब्लॉग, तो कैसे लग रहे हैं ब्लॉग?
बोल दो आरकेवी रोहित के ब्लॉग। तो यंगस्टर के बीच बैठ के मुझे भी काफी मजा आ रहा है और उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। अरे चश्मा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए आपने ऐसा फैशन नहीं देखा होगा। कहाँ गया भाई? हेलो, लुक एट दैट, ये चश्मा देखिए भाई का, क्या लुक है भाई का। एक आंख में चश्मा, एक में खो गया है, एक्चुअली पानी के अंदर खो गया है। तो जैसे मैंने बताया, हम पहुंचे हैं बराती रोड झरना, और ये बराती रोड झरने के हाँ, तो ये बराती रोड झरने का नीचे का हिस्सा है, असली बराती रोड झरना आगे था। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि हम बोर्ड में टाइमिंग नहीं देख पाए, तो बराती रोड झरना था बंद। फॉरेस्ट विभाग ने उसे एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया हुआ है। वहाँ 50 रुपये की एंट्री देके आप एंट्रेंस ले सकते हैं, पर वहाँ आपको नहाने की इजाज़त नहीं है। आप नहाना है तो और ट्रैकिंग का मजा लेना है तो आपको इसी रास्ते आना चाहिए। तो बराती रोड झरने का नाम बराती रोड झरना क्यों पड़ा? बराती रोड झरने का नाम एक्चुअली इसलिए पड़ा कि एक बार रात को एक बरात ट्रैवल कर रही थी, उन्हें बराती रोड झरने की गहराई का अंदाजा नहीं था, पता नहीं था कहाँ पे है, तो वो पूरी बरात समा गई इस बराती रोड झरने पे, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया बराती रोड झरना। तो ये एक्सप्लोर था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक अनदेखी जगह है आप लोगों के लिए, और ये पड़ती है चूना थान में, तो काफी प्यारी जगह है। एक बार आना बनता है आप लोगों का, गर्मियों के मौसम में लुत्फ उठाइए इस झरने का, कितना प्यारा झरना है। तो अब मैं भी चलता हूँ यहाँ, थोड़ी मस्ती मारता हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरा यहाँ तक का सफर था, और अगर आप इस वीडियो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। ओके, ओवर एंड आउट। जय हिंद, भारत माता की जय।